हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज मैं इसके पार्ट थ्री के बारे में बताऊंगा आपको। मैंने पार्ट वन और पार्ट टू दो वीडियो बना चुका हूं इस ड्राइव के ऊपर, इस डेल्टा S1 की सीरीज के ड्राइव के ऊपर। तो पहली वीडियो में पार्ट वन में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि इसके डिजिटल कीपैड से कैसे मोटर को ऑपरेशन करना है, इसके इंटरनल जो पोर्ट है इससे RPM कम ज़्यादा कैसे करने हैं, कैसे कौन सा पैरामीटर सेट करना है। डिजिटल ओनली डिजिटल कीपैड के बारे में मैंने पार्ट वन में बताया था। और जो मेरी पार्ट टू की वीडियो है फ्रेंड्स, वो भी देखिए, उसमें मैंने बता रखा है पूरा इसका 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल डायग्राम और कैसे कनेक्शन करने हैं 3 वायर पे, और इसके एक्सटर्नल पोर्ट के टर्मिनल पे कैसे कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर ये सब कनेक्शन के बारे में टोटल जानकारी दी है, कौन सा टर्मिनल पे क्या किस चीज़ का है और कैसे सेट करेंगे इसको, सारे टर्मिनल के बारे में जानकारी दी है इसके। और प्लस मैंने इसका पोटेंशियोमीटर के पैरामीटर सारे समझाए हैं, पैरामीटर 2 वायर के पैरामीटर, 3 वायर के पैरामीटर, टर्मिनल के सेट करने के पैरामीटर, लगभग सभी आपको बेसिक जानकारी दी है मैंने पार्ट टू में। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पार्ट थ्री की, इसमें फ्रेंड्स मैं बना रहा हूँ ऑनली इसको रीसेट करने के लिए, रीसेट फैक्ट्री। मतलब कि अगर मान लो हमारे कोई पैरामीटर ज़्यादा चेंज हुए हैं हमारे से और हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से पैरामीटर हमने चेंज कर चुके हैं इसमें, तो हमें फैक्ट्री रीसेट मारना है। अगर इसको सारे के सारे जो पैरामीटर हैं रीसेट मार रहे हैं हमें, तो उसके लिए मैं पैरामीटर बता रहा हूँ आपको। हम डायरेक्ट सिर्फ एक पैरामीटर के जरिए सारे के सारे ऑल पैरामीटर जो है रीसेट हो जाएंगे, दोबारा फैक्ट्री सेटिंग हमारी रीसेट हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो चलिए इसको खोलता हूँ मैं अभी। इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले ये यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पर इंटरनल पोर्ट दिया हुआ है, रन दिया हुआ है, स्टॉप दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, अप की, डाउन की और प्रोग्राम डाटा। तो प्रोग्राम डाटा में जाएंगे, एंटर कर रहा हूँ देखिए, तो अभी 4 नंबर में पड़ा है ग्रुप में, इसको 0 नंबर ग्रुप में ले आते हैं डाउन की से। 0 नंबर ग्रुप में आगे एंटर किया प्रोग्राम से ही, तो 0 नंबर के हमें जाना है आपको 02 में। तो 02 में जाने के लिए अप की दबाएंगे, ये देखिए 0 का 02 हो गया सेलेक्ट। तो 02 को अब एंटर करेंगे प्रोग्राम डाटा से ही, ये एंटर किया है अभी फिलहाल फ्रेंड्स, D0 पड़ा है इसमें, और तो D0 पड़ा है फ्रेंड्स इसमें। D0 को मैं इसमें हमें करना है D9 फ्रेंड्स, याद रखिए D9 करेंगे तो हमारे ऑल पैरामीटर रीसेट हो जाएंगे। तो ये मैंने D9 कर दिया, यहाँ से अप एंड डाउन की से D9 कर दिया, देखिए इसको मैं प्रोग्राम से एंटर करूँगा। तो ये मैंने एंटर किया है, जैसे ही आपके डैश डैश आएंगे समझ लीजिए आपके प्रोग्राम से जो है सारे पैरामीटर जो है रीसेट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी जो भी पैरामीटर इसमें पहले पड़े थे वो सब बाय डिफ़ॉल्ट चले गए हैं, तो हमारे सारे पैरामीटर जो हैं रीसेट हो चुके हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारे ऑल पैरामीटर रीसेट के बारे में बताया। और वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।